क्या उस समय तेरे को अब समझाना पड़ता मेरे को। स्टूडेंट्स लास्ट जो मीटिंग थी उसमें आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे सेकंड ए एक्सरसाइज के। अगर आपको क्वेश्चन नंबर एक से लेकर के सिक्स तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के सिक्स तक कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलूंगा, फिर आप पीछे रह जाओगे। क्लियर? ये क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है हमने, क्योंकि हमें मालूम है आपको प्रॉब्लम होगी इसमें। अब आप देखेंगे यहां, जैसा कि आपको लास्ट मीटिंग में बताया कि जो भी लास्ट में दे रखा हो dx लास्ट में ना, तो फिर x के रेस्पेक्ट में क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर y स्क्वायर को एक साथ लिखें, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्लियर? और माइनस का कितना x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन लास्ट में dx है तो पहले किसके रेस्पेक्ट में, dx के में और इधर dy। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये वैल्यू है ना, चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। कुछ पढ़ते हो आप, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, नहीं लगाए तो क्या करोगे, फॉर्मूला बताना था वो बता दिया, सी के लायक जगह नहीं है। देखो इधर कितना आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे ना, एक्स क्यों, देखिए ये तो कांस्टेंट रहेगा, बाई तो है, हम तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, यहाँ तो बाई है, बाई है तो कांस्टेंट रहेगा, यानी ये टर्म कैसी है कांस्टेंट, तो आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे, एक्स वाई टू एक्स की जगह एक्स ही है ना, तो ये एक्स वाई टू अंडर रूट और ये वाली टर्म लिखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट हटा दो, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस का ए स्क्वायर बाई टू यानी ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर बाई टू यानी रूट में ये जो रूट की टर्म है उसको ए कहोगे और स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू एक्स है अपॉन ए, ए की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और साथ में डीवाई चल रहा है और लिमिट आई है जीरो टू ए रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? अब आप देखेंगे इसमें लिमिट लगाओ, लिमिट जीरो टू ए, देखो एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, पहले अपर लिमिट लगाते हैं तो रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखोगे, इसे छोड़ो पहले यहां देखो रूट में, अब चलो रख दिया मान लो यहां मान, पर इसको देखना रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही तो आएगा, ऐसा ही तो आएगा, सेम सेम कट गए, जीरो बना रूट में, जीरो का गुणा यहां किया तो जीरो, तो ये कितना रहा यहां जीरो, और कितना है प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स यहां रखना, साइन इनवर्स एक्स की जगह ये टर्म रखेंगे कैंसिल होगी, साइन इनवर्स वन होगा, कितना बनेगा साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स में एक कितने का मान होता है, इतने का पाई बाई टू का ही तो होता है, तो इसको क्या लिख दोगे यहां पाई बाई टू यानी इन टू में पाई बाई टू, अभी तो ऊपर वाली लिमिट लगाई है, अब नीचे वाली लिमिट लगाओगे तो माइनस आता है, जीरो रखना है एक्स की जगह, जीरो रखते ही पूरा खत्म, जीरो रखोगे साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो कितने का मान होता है, क्लियर, साइन इनवर्स जीरो का मान कितना होता है जीरो, तो ये बना लास्ट में जीरो, और साथ में कितना है लास्ट में डी वाई, क्या बनेगा ये
पाई बाई फोर बाहर, लिमिट जीरो टू ए, और क्या बचा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। अब तो वाई के रेस्पेक्ट में ही तो होगा इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में होगा ये वाई के में, तो क्या बनाइए इक्वल में पाई बाई फोर और ये बना जीरो टू ए। चलो ए स्क्वायर का करो वाई के रेस्पेक्ट में, तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर डी वाई होता ना, तो डी वाई का वाई हो गया, और माइनस वाई स्क्वायर का करोगे तो कितना बनेगा वाई क्यू अपॉन थ्री। लिमिट कितनी है जीरो टू ए, बोलिए क्या बना ये पाई बाई फोर। ए लिखोगे तो ए क्यू, माइनस ए लिखोगे तो ए क्यू बाई थ्री, माइनस जीरो लिखने पे जीरो जीरो, क्या बना एलसीएम लें तो पाई बाई फोर, थ्री माइनस वन टू, टू ए क्यू बाई थ्री, टू से ये फोर टू टाइम, क्या बनेगा पाई ए क्यू बाई सिक्स। ओके नोट करें, कंप्लीट करो फास्ट। राम राम सर जी, राम राम भाई, राम राम। कौन सा है सुनील, किसका नाम है तुम में से या कोई? अच्छा वो है, कंप्लीट करो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बी। हेलो नमस्ते, कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, अरे इससे अच्छा तो कोई सवाल ही नहीं होगा। देखेंगे अब सभी, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं इस क्लास में जो आज पहली बार आए हैं, कोई है क्या? क्या कर रहे थे? कुछ तो ऐसे होते हैं ऑनलाइन में, समझे। नेक्स्ट आइए थर्ड बी, और ये है आई इक्वल टू जीरो से टू और जीरो से रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है x dx dy। क्लियर? पहले आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे? y के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 0 से 2 इंटू जीरो टू रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और x dy। x कांस्टेंट रहेगा कि नहीं जब dy के में करोगे, तो इस x को हटा सकते हो इंटीग्रेशन से बाहर, और यहां dx। क्लियर? जीरो से टू एक्स और यहां dy का इंटीग्रेशन y होगा। लिमिट कितनी है जीरो टू अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और जीरो से टू एक्स y की वैल्यू है ये अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो लिखने पे जीरो होगा, उसको लिखा नहीं हमने। साथ में कितना है ये dx। अब आप क्या करोगे इसमें इंटीग्रेशन आपको करना ही है,
बोलिए क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो x का आधा, लेकिन उसको उससे करने में थोड़ा टफ हो जाएगा, ये x और है आगे। इसीलिए देखो मैं आपको ए एक्सरसाइज जो थी ना, बी एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर की बी एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, कहा था कि बताओ प्रतिस्थापन क्या करें इसमें, एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स क्या बनेगा फोर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर। लिमिट क्या होगी, लिमिट 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 जब एक्स की वैल्यू जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स जीरो रखोगे तो साइन का मान देखो दो जीरो में निकल जाएगा, साइन का मान जीरो कब होता है, थीटा बराबर जीरो पर। और जब एक्स का मान दो रखोगे, दो रखोगे, दो से दो कट गया, साइन बराबर एक, एक्स बराबर दो, तो थीटा बराबर पाई बाई टू। एक आपको शॉर्ट में बता दूं, चैप्टर नंबर दो से लेकर के आगे जितने भी चैप्टरों को पढ़ोगे आप, वैसे तो चैप्टर मैं तो ये कहूं आपको शॉर्ट में कि समाकलन की जो बुक है ना उसमें 98% जो क्वेश्चन होंगे उनमें लिमिट जीरो से पाई बाई टू ही बनेगी, ठीक है ना, क्या बनेगी, जीरो से पाई बाई टू। तो ऐसे 100 में से दो क्वेश्चन बचेंगे जिनमें जीरो से पाई बाई टू नहीं बचेगी। एक तो आता है लेमिनिस्केट का क्वेश्चन आगे पोलर फॉर्म में, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, उसमें बनती है पाई बाई टू से पाई बाई फोर, उसमें जीरो से पाई बाई टू नहीं बनती। और एक और क्वेश्चन आता है, मतलब लिमिटेड क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नहीं बनेगी, बाकी के सब में जीरो से पाई बाई टू ही बनती है। देखो अब आप समझोगे, अब इसमें लिमिट क्या रही, जब इसको आप x की जगह क्या लिख रहे हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट x की जगह 2x है ना, तो 2x क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 साइन 4 थीटा, और dx की जगह क्या है, dx की जगह 4 साइन थीटा cos थीटा, 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्लियर। सॉल्व करो, लिमिट क्या रही इसकी, जीरो से थीटा का मान जीरो से लेकर के और पाई बाई टू, क्लियर। अब देखो इसको क्या लिखोगे, लिमिट जीरो से लेकर के पाई बाई टू और टू। देखो आप यहां से जो रूट है ना, एक तो रूट की बात सुन लो, ये रूट ओनली यहीं तक है, ठीक है ना, रूट क्या ओनली यहां तक। अब आप समझो, यहां से जब चार को बाहर निकालोगे दो बन के निकलेगा ना, चार को रूट से बाहर निकालोगे दो बन के, दो गुणा दो चार हो गया, चार गुणा चार हो गया ना सोलह, कितना रहा ये सोलह, बटे में क्या आएगा, देखो बटे में तो कुछ है नहीं, ओनली सोलह मल्टीप्लाई में ही रहेगा ये। अच्छा साइन स्क्वायर को बाहर निकालोगे इसमें से तो क्या बनेगा, रूट से बाहर साइन, साइन और साइन स्क्वायर, साइन क्यू और एक साइन, साइन फोर क्या बनाइए, साइन फोर थीटा। एक और बात, यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ही तो बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालो, कॉस कॉस इन टू कॉस कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ये, साथ में डी थीटा, क्लियर। अब आप समझ गए होंगे क्या लगा सकते हो इसमें, इस दो को मत लिखो, ये दो तो पहले ही लिख गया ना, गुणा होकर के सोलह बन गया। अब आप बताओ क्या लगेगा इसमें, कुछ पढ़ाया आपने जीरो से पाई बाई टू साइन कॉस हो तो क्या, हाँ ठीक है ना, गामा फंक्शन, तो देखिए गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग बराबर में आएगा ये सोलह, गामा एम प्लस एक, एम की जगह कितना है चार, तो गामा चार प्लस एक बटे दो, और गामा एन प्लस एक, एन की जगह कितना है दो, दो प्लस एक बटे दो बटे में दो गामा एम प्लस एन प्लस टू वाई टू, क्लियर। सॉल्व करना है, सोलह गामा चार और एक पांच, पांच बटे दो को क्या लिखोगे, तीन बटे दो, एक बटे दो रूट पाई, दो और एक तीन, तीन बटे दो को क्या लिखोगे तीन बटे दो को एक बटे दो रूट, और क्या है अपॉन में दो, चार और दो छह और दो आठ, आठ में दो का भाग दिया तो
चार, चार को क्या लिखोगे, तीन दो एक, तीन से तीन खत्म, दो गुणा दो चार, चार गुणा दो सोलह, सॉरी आठ, आठ गुणा दो सोलह, सोलह से ये सोलह खत्म, एक दो बचाए नीचे, ऊपर क्या है रूट पाई पाई, कुछ और बचा क्या है? ठीक है, तो ये सॉल्यूशन रहा इसका। ओके नोट करें, कंप्लीट करो इसे। हो गया कंप्लीट ये। नेक्स्ट देखो, अब कंप्लीट करो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवंथ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए नोट्स ही बंटवा दूं? नेक्स्ट देखिए, सिक्स का ए या बी इनमें से कोई सा भी देख लो, जीरो से पाई बाई टू, और ये है पाई बाई टू से पाई, क्लियर। साथ में है कॉस एक्स प्लस वाई और डी एक्स डी वाई, ठीक। अब देखिए इसमें आप पहले इंटीग्रेशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, बोलिए,
ऐसे क्यों कर देगा किसी के भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन? ये लिमिट पहले किसकी है देखना, यहां से पता लग रहा है ना, dx है ना ये, तो पहला समाकलन dx के लिए, दूसरा dy है तो दूसरा समाकलन किसके लिए? dy के लिए। तो dx क्या है? dy dx है, dy dx। हाँ इसको सही लिख लें, dy dx, ठीक है ना। अब पहला इंटीग्रेशन किसके लिए? dy के लिए, दूसरा किसके लिए? ये dx के लिए। तो अब आप करेंगे क्या कि अब ये बताओ, पहले ये समाकलन हल करना पड़ेगा या ये हल करना पड़ेगा? तो इसके लिए ये किसके रेस्पेक्ट में? dx के, तो x के रेस्पेक्ट में पहले करना होगा ना। तो यही लिख रहे हैं हम, cos x plus y और dx और dy को बार किया, 0 से पाई बाई 2, cos का करो कितना आएगा, cos का समाकलन sin x plus y, क्लियर। लिमिट क्या रहेगी? पाई बाई 2 से पाई और dy। कुछ ऐसे तो नहीं सोच रहे कि सर आपने तो cos का x plus y है तो भी वैसे ही लिख दिया है। बात क्या है कि x plus y को अगर t मान लें, y तो कांस्टेंट रहेगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x plus y को t मानोगे तो dx plus y को 0 और dx plus 0 बराबर t का dt हो जाएगा ना। तो अगर जहां dx बराबर dt आए तो उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे ही आप समाकलन कर सकते हो उसका। तो ये लिखो देखिए, sin x plus y हो गया, अब आप किसकी जगह लिखोगे भाई? पाई x की जगह, तो x की जगह पाई लिखोगे तो ये बनेगा sin पाई plus y minus, अब लोअर लिमिट लगाओ पाई बाई 2 लिखोगे ना, तो sin x की जगह लिखोगे पाई बाई 2 plus y और कितना ये dy, क्लियर। करो इसका, किसकी लिमिट किसकी वजह से चेंज हो जाएंगी? अब देखो इसको, इसको सॉल्व करो, देखिए किसी की भी लिमिट चेंज नहीं होंगी, तुम समाकलन कर रहे हो ऐसे लिमिट चेंज नहीं होती है, वो बाद में होती है, तो फिर वो लिमिट चेंज होती है तो सवाल भी तो चेंज हो जाता। अच्छा देखो अब इसमें लिमिट कितनी है, पाई बाई 2 से पाई, रखो इसमें वैल्यू रखो साइन, अच्छा साइन 180 प्लस बाई यानी साइन 180 प्लस थीटा, तीसरे में जाएंगे, तीसरे में साइन नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना साइन वाई, और कितना है ये, और कितना है ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस, तो ये सेकंड में तो इतना ही रहेगा ना, और कितना है ये तो कंप्लीट हो गया ना, लिमिट तो लगा दी ना पहले ही, और साथ में डी वाई, करो इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो साइन वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस वाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बना कॉस वाई, और माइनस कॉस वाई का करोगे तो साइन वाई, और जीरो से लेकर के पाई वाई टू, तो कॉस पाई वाई टू कितना, जीरो, कॉस पाई वाई टू जीरो होता है, माइनस साइन पाई वाई टू कितना होगा एक, और यहां जीरो लिखोगे तो क्या आएगा, कॉस जीरो एक, माइनस साइन जीरो जीरो, माइनस एक कितना हो गया माइनस का, कहीं कोई चिन्ह की गलती हुई है क्या, देखना है इसमें चिन्ह की गलती हुई हो तो देख लेना, अदरवाइज आंसर इतना ही रहेगा, ठीक है ना। करें नोट करें ये इसका, करो कंप्लीट करो। देखो लाला सुनो, मेरा मानना यह है कि मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस, है ना। तुम भी जानते हो ये बात, बचपन से सिखाया जाता है आपको कि गणित के लिए जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, और ऊपर से लिखते हुए करते हैं तो थोड़ा और अच्छा रहता है। बाकी का तो क्या है, तुमने देखा होगा 12th क्लास में या 10th क्लास में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी खोल करके ऐसे देखते जाते हैं, ठीक है ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, माना कि उस समय हो जाते हैं,
लेकिन दिक्कत कहाँ आती है जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो फिर लगता है अगर कोई शुरुआत बता दे फिर तो सवाल को कर दूंगा, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ऐसा ही तो होता है कि बस कोई शुरुआत बता दे बाकी कर तो खत्म है सवाल। नेक बता दे, पड़ोसी देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये सिक्स का ए। अरे भाई सिक्स का बी करा दिया, अब ए को कर लेना आप, ऐसे ही होगा, हमने देखा नहीं था कमेंट्स में, नहीं तो हम ए ही करा देते, ठीक है ना? हाँ हाँ सेम है वो दोनों क्वेश्चन, इसीलिए कोई एक कराना था हमें। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर सेवंथ एट्थ नाइन्थ, ये सारे क्वेश्चन लगभग सेम रहेंगे। टाइम हो गया क्या रिजाइन का? और आप सभी क्लास रिजाइन करो, थोड़ा रिजाइन कराओ इन्हें।